नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहले जानते हैं दैनिक पंचांग के बारे में। मई शनिवार का दिन है, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, तिथि नक्षत्र है, सतविसा ब्रह्म नामक योग बन रहा है, अजीत मुहूर्त है सुबह से दोपहर तक और राहुकाल का समय सुबह 9 से दोपहर 11 बजे तक। राहुकाल के समय में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, विघ्न आ सकती है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए ठीक है, कुछ मामलों में थोड़ा सा भारी रहेगा। आज बेवजह की थोड़ी चिंता हो सकती है। मध्यम दिन है, नौकरी करते हैं तो कार्य क्षेत्र में काम का थोड़ा सा अत्यधिक प्रभाव रह सकता है, थोड़ी थकान हो सकती है। जो व्यापारी भाई हैं लाभ के योग बनेंगे और इस समय जीवन साथी से किसी भी कीमत पर विवाद ना करें, वरना छोटा सा विवाद भी बड़ा इशू हो सले सकता है। ऑफिस में पूरा दिन आप व्यस्त रहेंगे, देर शाम थोड़ी थकान हो सकती है। घर पर कोई रिश्तेदार आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़े जो लोग कार्य करते हैं उनको फ़ायदा होगा। तो सप्तम गुरु आपके व्यवसाय दाम्पत्य जीवन के लिए बढ़िया है और दूसरा आर्थिक स्थिति ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिश्तों का ध्यान रखिएगा। सुख तो है पर अपने पेट का भी ख्याल रखें। हालांकि लव लाइफ ठीक है और थोड़ा सा मंगल यहां पर आपको लीवर प्रॉब्लम या पेट की समस्या, गैस की समस्या जैसी चीज़ें देगा। पहले से सतर्क रहे हैं, लव के साथ अच्छे वक्त बिताएंगे, लेकिन दूसरी तरफ देखिए देर शाम से चीज़ें थोड़ा बेहतर होगा। अनावश्यक विवाद किसी भी कीमत पर किसी से भी ना करें और शाम तक धन आएगा। वैसे तो रुका हुआ फंसा हुआ धन आएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा और निर्धन को अगर कुछ दान कर दे धन वगैरह का या सफ़ेद मिठाई का तो उत्तम है। किसी भी शत्रु विरोधी की बातों से बचिए। हालांकि घर परिवार में कोई बढ़िया समाचार मिलेगा। मन आपका अखुश है, कोई पुराना लेन देन लंबे समय से अटका हुआ था वह भी पूरा होगा और इस समय धन को किसी दूसरे की बातों में आकर निवेश करने से बचिए। हालांकि पुरानी गलती से सबक लीजिए। जो विद्यार्थी हैं बौद्धिक मानसिक बोध से भी आज छुटकारा आपको प्राप्त हो सकता है। तो वृश्चिक वालों आपके लिए, खासकर जो लोग जॉब करते हैं, प्रमोशन सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर बॉस के साथ कुछ वार्तालाप होगा, इसका लाभ भी मिलेगा। और माँ लक्ष्मी की कृपा वर्षे की आज कार्य से आपके बॉस भी प्रसन्न है। बस मन लगाकर कार्य करें, लेकिन हो सकता है ग्रहों की चाल के कारण मन की कुछ समस्याएं हैं या मन परेशान रह सकता है। मानसिक शांति की थोड़ी कमी दिखेगी तो इसमें दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज और सकारात्मक मानसिकता से करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ आप अपनी छाप छोड़ने में सफल रहेंगे। निजी व्यावसायिक मामलों में खुद को काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे और असंभव से दिखने वाले कार्य और चुनौतियों से रूबरू होंगे, लेकिन समाधान भी समय रहते निकाल लेंगे। लेकिन ऐसे लोगों से बचकर रहे जो दिखावा पसंद करते हैं। बेवजह खर्च करने से बचे, नहीं तो आपका मासिक जो बजट है ना वो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले से सतर्क रहिएगा। अधिकांश सुख तो मिलेगा, लेकिन परिश्रम है, परिश्रम से सफलता है। अपनी भावना अपनी वाणी पर जितना कंट्रोल रखेंगे उतना अच्छा है। कटु वचन ना करें, सोच समझ कर निर्णय लें। शुभ रंग है नारंगी, भाग्य साथ निभाएगा। आजप्रा और भाग्यांक 4 है। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई पर फोकस आपका रहेगा। गायत्री मन ज़रूर पढ़िए। अपनों के साथ बढ़िया वक्त बीतेगा और लव लाइफ में व्यक्तिगत और गोपनीय बातें साझा ना करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे। परिवार में किसी सदस्य के साथ मन मुटाव हो सकता है, शांत रहकर बातचीत करें। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है। आज के अनुभव किसी पुरानी याद को ताज़ा कर सकते हैं। नई तकनीक सीखने में रुचि जाग सकती है। सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। मानसिक थकान महसूस हो सकती है। पर्याप्त नींद लें। धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिल सकता है। कानूनी मामलों में सफलता मिलने के संकेत हैं। जैसा कि बताया गया है, परिवार में कुछ कलह की स्थिति बन सकती है। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए शुभ समय है। रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। सेहत के प्रति सचेत रहें, खासकर मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या हो सकती है। नए कौशल सीखने की इच्छा प्रबल होगी। वाणी में कठोरता आ सकती है,
संवाद करते समय वाणी में मिठास रखें, अंतर्ज्ञान की आवाज़ को सुने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफलता मिल सकती है, प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी, पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे, पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, किसी रिश्तेदार से अचानक मिलने का योग बन रहा है, पिछले जन्मों के कर्मों का फल आज मिल सकता है, नई तकनीक सीखने में रुचि जाग सकती है, सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है, थकावट महसूस हो सकती है, योग या ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी, आध्यात्मिक गुरुओं का मार्गदर्शन मिल सकता है, कानूनी मामलों में सफलता मिलने के संकेत हैं। जैसा कि बताया गया है, पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी, कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा, नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए शुभ समय है, लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिलने से मन प्रसन्न होगा, रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, कलात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी, धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं, रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, यात्रा करने की संभावना कम है। सेहत के प्रति सचेत रहें, खासकर गले से संबंधित समस्या हो सकती है, नए कौशल सीखने की इच्छा प्रबल होगी, वाणी में मधुरता रहेगी, प्रभावशाली लोगों से संपर्क बन सकता है, अंतर्ज्ञान की आवाज़ को सुने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफलता मिल सकती है, प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी, पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे, घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, परिजनों के साथ खुशनुमा पल बिताने का अवसर मिलेगा, किसी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो परेशानी का कारण बन सकती है, सतर्क रहें, पिछले जन्मों के संस्कारों का प्रभाव आप पर हावी हो सकता है, नई तकनीक सीखने में रुचि जाग सकती है, सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है, थकान महसूस हो सकती है, पर्याप्त नींद लें, धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिल सकता है, कानूनी मामलों में विवाद की स्थिति बन सकती है, वकील से सलाह लेना लाभदायक होगा, परिजनों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, शांत रहकर बातचीत करें, कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलने में देरी हो सकती है, धैर्य बनाए रखें, कलात्मक कार्यों में रुचि कम रहेगी,